जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसिस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अप्रैल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि अप्रैल मंथ क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओके, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द पाइसिस पीपल। ओ माय गॉड, पाइसिस, न्यू डोर्स आर कमिंग अप फॉर यू। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव और वट एवर जो भी है, बट येस डेफिनेटली न्यू लव इज कमिंग योर वे, या हो सकता है न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू इन योर लव लाइफ। सो तैयार ही रहिए आप। आई थिंक बहुत देर से आपने अपना जो दिल का जो दरवाज़ा है वो बंद करके रखा हुआ था। नाउ इट्स टाइम एंड इट्स हाई टाइम दैट यू ओपन अप द डोर्स और वेलकम कीजिए एंड बी रिसेप्टिव फॉर द लव कमिंग इन। और आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ सोलमेट लव यू वर वेटिंग फॉर। वी हैव टू हार्ट्स, वी हैव नंबर 33, यू आर विशिंग फॉर इट, यू आर प्रेइंग फॉर इट, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। व्हाट एल्स Do you want me to tell you? तैयार रहिए भैया, तैयार रहिए आप। चलिए आगे बात करते हैं लव लाइफ की फॉर ऑल द पाइसिस पीपल। Pisces, for you, I think it's all about right now. अगर मैं बात करूँ तो it's about, you know, you are taking time, you are silent in love sector. और कभी आपका mind कुछ कहता है, कभी आपका mind कुछ कहता है, you are feeling very shady, you know, because somebody is acting shady with you. और इस person का, you know, feelings का कुछ पता नहीं चलता, but never mind, maybe हो सकता है स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो आप। इन एनी केस आई थिंक यू फोकस कर रहे हैं अपनी मनी पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, पर चाहते हैं एक कनेक्शन, आप चाहते हैं एक राइट कनेक्शन इन योर लाइफ। ठीक है, यस, यू वांट दैट पार्टनरशिप जहाँ आप इक्वल, यू नो, इक्वली एक दूसरे के साथ रहें, दैट काइंड ऑफ अ लव, परफेक्ट फैमिली, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, दैट काइंड ऑफ, डॉग्स भी हैं, यू नो, सब कुछ है, ओवरऑल एक अच्छा पार्टनर भी है। सो वो आप सोचते हैं, बट उसके लिए आई थिंक अभी आप साइलेंट हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक देखिए मुझे न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है अगेन पाइसिस के अराउंड। मे बी समबड़ी न्यू एंड समबड़ी कोई और भी हो सकता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हों पाइसिस की। दिस पर्सन इज ना लाइक क्रॉस रोड्स पे हैं, हो सकता है कोई आपके बारे में बात कर रहा है, आपके बारे में किसी से पूछ रहा है। फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, बट क्रॉस रोड्स पे है अभी, रिलेशनशिप फाइनलाइज नहीं हुआ है। That kind of energy, yes, कोई emotions को ना hold कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है yes, कोई commitment को या connection को आगे लेके जाने को कोई wait कर रहा है अभी फ़िलहाल, मुझे ऐसा लगता है for all you Pisces people। और दूसरा ये मुझे एक और चीज़ है that there is energy of like एक लविंग कनेक्शन हो सकता है, बट देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक, कुछ है या तो इस पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में। आई थिंक शायद हो सकता है ये पर्सन सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हो, या कनेक्शन टॉक्सिक हो, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और उसमें से निकलना चाह रहे हो। ये सिचुएशंस हो सकती हैं पाइसिस के लिए। और अगर पाइसिस, इफ़ यू आर टोटली सिंगल, यू नो, यू आर नॉट डीलिंग विद एनीबॉडी, तो आई थिंक इट्स यू आर टेकिंग टाइम, अभी टाइम ले रहे हैं और अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, एंड यू वांट अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर यू। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइसिस। और अप्रैल मंथ में देखिए न्यू प्रपोजल कोई ज़रूर आ सकता है आपकी तरफ। सो सोच समझ के आगे बढ़िए और आपको पर्सन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यू नो। ओके, व्हाट एल्स? डेफिनेटली कोई न्यू है और मे बी अ फायर साइन और मे बी बट कुछ है, बिट्रेयल है, मतलब ये कनेक्शन एक नया कनेक्शन है, बट आई थिंक कुछ है समथिंग विद इट जो कुछ हेल्दी नहीं है, या ये पर्सन लाइक यू नो इस रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्सन के साइड से दिखाई दे रही हैं, बट
somebody loyal, kind hearted, you know, और ऐसा कोई connection मुझे दिखाई दे रहा है. और Pisces, I think you are full of emotions. Obviously, you are full of emotions. अच्छा, कुछ Pisces के लिए हो सकता है, like not for majority, but कुछ Pisces के लिए हो सकता है कि still you are waiting for somebody to come back. Are you? Yes, मुझे लगता है कि still you are, you know, like manifesting a partner, past energy. ये बहुत possible है. Yes. हालांकि आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा focused हैं, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, but कहीं ना कहीं एक है माइंड में कि यस, शायद वो पर्सन कहीं वापस आ जाए. उस वजह से आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो जाते हैं और नई एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाते, नए लोगों से मिल नहीं पाते. तो ये चीज़ें हो सकती हैं पाइसेस के लिए. आई थिंक इट्स हाई टाइम आपको आगे बढ़ना चाहिए. जो भी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो, यू शुड बी रिसेप्टिव यू नो इन योर लाइफ. अगर कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं, कोई नए लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, देन वाई नॉट. हाँ, वो बात अलग है, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, मैरिड हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप अपने आप में फोकस कीजिए. कुछ नया हो सकता है आपके राउंड. फॉर एग्जांपल, आप काम कर सकते हैं, यू नो, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग गुड कमिंग टूवर्ड्स यू. तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं फॉर ऑल यू पीपल. एंड यस, डेफिनेटली. और ये जो न्यू पर्सन है, आई थिंक दे आर, आपके बारे में बात चल रहे हैं, बट येस, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ, आई थिंक कोई किसी सिचुएशन में है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, को डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं. देर इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सन, सो यू बेटर नो. आप इनके बारे में पूरी तरीके से जान लीजिए और फिर ही आगे बढ़िए, ठीक है? ओके, अब बात करेंगे करियर की. करियर वाइज ये जो मंथ है अप्रैल का, ये कैसा रहेगा फॉर ऑल यू पीपल? पाइसेस, आई थिंक इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट सक्सेस. अच्छा, आप, आई थिंक आपका कोई काम ऐसा है, यू आर इन अ लाइमलाइट और यू विल बी. और मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं पाइसेस के लिए, अप्रैल मंथ, आई थिंक इट्स, यू आर फाइन, यू आर डूइंग फाइन, ठीक है? और सक्सेस, आगे बढ़ रहे हैं, आपका फोकस है, आपको पता है, इफ यू आर फोकसिंग, आपको आपका पाथ है, यू आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ, यू नो इट. और लोग आपको देख रहे हैं और आपके लिए हैप्पी फील कर रहे हैं. एंड पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि पेशेंस से ही आपको वो मिलेगा दैट यू आर प्रेइंग फॉर. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी थिंग्स आर मूविंग इनटू योर फेवर, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ. और शायद हो सकता है अप्रैल, यूर कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में ना, चाहे वो करियर है, चाहे कुछ भी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग. कोई ऐसा एरिया है आपकी लाइफ में जहाँ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस हो रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा. मे बी हो सकता है आप नंबर्स देख रहे हो, सिंक्रोनिसिटी है, ऑल दैट, यू नो. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न हो रहा है. अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिए, आगे की तरफ बढ़िए, यू विल बी डूइंग एक्सेप्शनली वेल. सो ऑल आइज विल बी ऑन यू कि भाई इस पर्सन ने ये कैसे कर दिया, यू नो. आपके अंदर वो चीज़ है, आपके ऊपर वो भगवान का, यू नो, आशीर्वाद है, डिवाइन एनर्जी आपके बिल्कुल आपके अराउंड है. सो इट्स अबाउट, यू नो, थिंक बिफोर यू वॉन्ट टू मैनीफेस्ट. सोचिए कि आपको क्या मैनीफेस्ट करना है. सो इट विल बी लाइक इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसी चीज़ें हो सकती हैं पाइसिस के लिए. बहुत अच्छी एनर्जी है. तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसिस पीपल. Pisces, you need to be caring, you need to be sharing, and moreover, one thing I just want to tell you that देखिए, किसी किसी में वो चीज़ होती है कि भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड यू कैन हेल्प अदर्स एज वेल. तो उस चीज़ को सोच के चलिए. Endless possibilities. You have that, you know, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं. You have that, पूरा आसमान है and you want to achieve it. So आगे बढ़ते जाइए, कोई नहीं रोक रहा है आपको, एक्सेप्ट फॉर आपकी खुद की सोच.
बस ये चीज़ है जो आपको रोक सकती है, कन्फ्लिक्टेड माइंड जिसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने पर्पस को चूज़ कीजिए। जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं उसको देखिए, एंड वी विल पुल सम एडिशनल कार्ड फॉर पाइसेस एज वेल। क्यों? क्योंकि ये जो पाइसिस का बर्थडे मंथ है, तो भाई हमारा बनता है एक ब्यूटीफुल स्पेशल कार्ड फॉर ऑल द पाइसिस पीपल। मार्च इज द मंथ फॉर पाइसिस। ओके, सेट योर बाउंड्रीज। देखिए इसी की मैं बात कर रही थी, यू नो यू नीड टू सरेंडर। यू नेवर नो कि आपको डिवाइन कहाँ आपको सरप्राइज करे, तो वो सरेंडर कीजिए टोटली। अगर आप रिजिड हो जाएंगे ना कि नहीं 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 भैया मुझे तो यही चाहिए, तो दैट मीन्स आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने अराउंड जो चीज़ें आ रही हैं उन सब चीज़ों को रोक रहे हैं, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट की हुई है। डोंट डोंट यू लाइक यू नो डोंट डू दैट प्लीज़। अपनी बाउंड्री सेट करना अच्छा है, बट इन अ गुड सेंस। और आप सोचिए, अगर आपके आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, एंड स्टिल यू आर ऑलवेज ओके विद दैट। नो, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए इन अ गुड सेंस, यू नो, कि आप अपने आप को हेल्प करेंगे फर्स्ट, सेल्फ लव करेंगे, और आप अपनी लाइफ पे आगे बढ़ेंगे और लोगों की भी हेल्प करेंगे। और अगर कोई न्यू आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी है, अगर कोई पर्पस है जो भगवान आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसको फॉलो करेंगे एवरीथिंग। ठीक है, स्टार्ट मेकिंग सेंस व्हेन यू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड स्टार्ट बिलीविंग। सरेंडर कर दीजिए टोटली। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पाइसिस पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।